हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल नहीं लग रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल नहीं लग रहा है तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप ऐसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अपने फोन की सिम सेलेक्ट करेंगे तो अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर थ्री डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका पेज आता है। इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग। इस तरीके से एपीएन सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।